मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ मैं, सर मतलब बैक बेंचर वाली कैटेगरी में लगा लूँ मुझे, पीछे बैठता था। जब मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो बैक बेंचर से सीपीयू रैंक 1 तक का सफर तय किया आपने। नमस्ते भाई, आज हमारे साथ कोई और नहीं, दी रैंक 1 है सीपीयू के, जिन्होंने 2022 में ऑल इंडिया में प्रथम स्थान हासिल किया है। और राहुल देशवाल जी इनका नाम है, और इनका प्री में भी बहुत अच्छा खासा स्कोर था। इनसे अभी मेरी बातचीत हुई स्टूडियो में बैठ के, तो 173 इनका स्कोर है। इंग्लिश में आप इनका स्कोर जानते हैं 200 में से कितना है? 200 में से 193 स्कोर है। हालांकि ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, और इनका सिलेक्शन पिछली बार ही हो जाता, बस इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ करी इंग्लिश में। अगर वो गलती ना करते तो शायद 2021 में ही दिल्ली जो है दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बन चुके होते, ऐसा ही ना? जी सर। तो ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी की कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसे क्या इनका स्कोर रहा, फिजिकल में कैसे प्रिपरेशन की, ये पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ यार। सर हमारे पास में एक स्कूल है श्री रामा भारती स्कूल, वहाँ से करी थी। फिर मैंने 12th बाल भारती स्कूल से करी है, हमारे वहीं बहादुरगढ़ में ही है। फिर जैसे बहादुरगढ़ से है ना? यस सर। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी अदर स्टेट के बालक हैं वो बिल्कुल बेकार हैं सीपीयू में सिलेक्शन लेने के मामले में। 100 में से 50% से ज़्यादा स्टूडेंट हरियाणा से सिलेक्ट हुए हैं सीपीयू में। मैंने तो जितने भी टॉपर्स अभी तक मिला हूँ मैक्सिमम जो है वो हरियाणा से ही हैं, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा क्रेज है डिफेंस वाली जॉब का। पहले आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में इनकी तैयारी करते थे, फिर अग्निवीर वाला जब आया तो ये शिफ्ट हो गए सीपीओ की तरफ और जीडी की तरफ, ऐसा हुआ है ना? हाँ सर। बहुत बड़ी ऑडियंस सीपीओ की और जीडी की तरफ आई है। जिन बच्चों के साथ मैं फिजिकल की तैयारी करता था सर, हाँ, वे मोस्टली बच्चे आर्मी की प्रिपरेशन करते थे, मैं उनके साथ ही दौड़ता था। फिर जैसे ही अग्निवीर बनाए वे जीडी में शिफ्ट कर गए सारे। फिर वे मुझसे ही पूछते थे कि भाई कुछ बता कैसे तैयारी करें, फिर मैं उनकी हेल्प भी काफी करता था कि टीचर सिलेक्शन में और जो भी उनके डाउट होते थे वो सॉल्व भी करता था सर। टीचर सिलेक्शन में आप भी हेल्प करते थे? हाँ हाँ सर। तो किस किस टीचर को सजेस्ट करते थे? सर मैथ के लिए तो सर वन स्टॉप सॉल्यूशन आप ही हो सर। ऐसे सीधा सीधा नहीं बोलते, लोग शक करते हैं। नहीं, जो बात है सर वो बात ही। हाँ। अब सच्चाई कहने में भी क्या घबराना सर। हाँ देखिए, इन्होंने अपने नोट्स भी प्रॉपर तैयार किए हैं, नोट्स हमारी टीम के पास भेजे हैं। तो आप अक्सर कहते भी हो, जैसे हमने सीजीएल के IR1 मोहित के भी नोट्स डलवाए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो भाई ने सवालों के तो नहीं बना रखे नोट्स, कंसेप्ट के नोट्स बना रखे हैं। तो नोट्स की PDF पे जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि नोट्स बनाते कैसे हैं। नोट्स वो हैं सक्सेसफुल जो खुद को ही समझ में आए और वन टाइम वो यूज़ हों आपके लिए। आप मतलब ऐसा उनको एक बार प्रिपेयर कर लो कि जब भी कोई एग्जाम हो तो आप उनको एक बार रिवाइज करके चले जाओ और आपका गणित आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में ले आए, ऐसा आपको करना है। इसी तरीके से बनाता था सर। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि भाई जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सर सीख ही जाते थे, फिर उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन लगाता था सर, और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अलग से लिख लेता था। फिर उससे फायदा ये होता था सर, जैसे कोई भी एग्जाम आया मैं 1 से 2 दिन के अंदर पूरे मैथ को रिवाइज कर लेता था। फिर एक आध क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट ही फंस जाता था सर, मैं डायरेक्ट आंसर भी लगा देता था उसका, तो और कंसेप्ट वगैरह सोचने नहीं पड़ते थे कि भाई कौन सा लगाना है इसमें कौन सा नहीं। तो मैथ तो सर यही कर लेता था। अच्छा, ये इसमें जैसे प्री में 200 नंबर का है, 50-50 नंबर का सब कुछ आता है। हाँ। तो GS का भी वेटेज है, तो GS जैसे 50 नंबर की आती है, उसमें स्टैटिक GK भी है, करंट अफेयर भी है। GK का सिलेबस तीनों के मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग के कम्बाइंड सिलेबस से बड़ा है अगर देखा जाए तो, पढ़ने लायक काम का उतना पढ़ना तो पड़ता नहीं है। GS तैयार कैसे करी? सर मैं सेलेक्टिव अप्रोच रखता था, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो बचपन से सर मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो सबसे पहले तो साइंस बैकग्राउंड है लेकिन इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है? फिजिक्स केमिस्ट्री में भी था सर, वैसे बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट था। BSc भी मैंने लाइफ साइंस से की थी सर। BSc आपने कहाँ से करी है? BSc यहाँ शिवाजी कॉलेज से सर, दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिवाजी कॉलेज है। हाँ। यहाँ रजौरी गार्डन में है सर। अच्छा अच्छा तो वहाँ से की थी सर मैंने।
तो सबसे पहले जो भी मेरा जीएस में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था सर, मैंने वो एक बार अच्छे से तैयार कर लिए थे, क्योंकि उसमें एक ही बार पढ़ना था कि भाई एसएससी किस लेवल से पूछता है, क्या पूछता है, फिर वो एक ही बार में तैयार हो गए थे। फिर सर जैसे जो मेजर पोर्शन वो हिस्ट्री और पॉलिटी का आता है सर, सीपीओ में मतलब सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों को हिस्ट्री पॉलिटी तो पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री के सर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हमारे 50 में से, हाँ, और पॉलिटी के भी जैसे दोनों का मिला के 15 क्वेश्चन के लगभग आ जाते हैं, कभी हिस्ट्री के ज़्यादा हो जाते हैं कभी पॉलिटी के, पर दोनों का मिला के 13-14-15 रहते हैं क्वेश्चन। फिर मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर बुक ली थी राकेश यादव सर की, तो उसमें से मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि भाई किस लेवल से आते हैं, कैसे क्या पूछते, कितना डीप में जाते हैं, कितना ऊपर ऊपर से रखते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, फिर उससे आइडिया हो गया था कि भाई एसएससी इस वे में क्वेश्चन पूछता है, इतना हमने वो फैक्ट्स याद करने हैं, इसकी स्टोरी टाइप में याद करना है। तो एक दो सब्जेक्ट मैंने छोड़ भी दिए थे सर, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। हाँ, मैंने भी ये देखा कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले वो इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं, वो सर मैंने स्किप ही कर देते हैं पूरा सब्जेक्ट, बिल्कुल स्किप कर देते इकोनॉमिक्स का सर। तो इसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना फिर जीएस में? जीएस में मेरा सर 28 या 29 था। डिसेंट स्कोर था आपका। हाँ सर। ओके, अच्छा रीजनिंग कैसे तैयार करी है? रीजनिंग तो सर जैसे कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट था मेरा रीजनिंग में, एक दो दोस्त मेरे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे कॉलेज टाइम में, मैं तो कुछ करता नहीं था कॉलेज टाइम से, बस ये था कि भाई पहले अपनी बीएससी करनी आराम से, हाँ। ज्यादा हेडेक वगैरह नहीं लेने की, भाई ना तो कॉलेज हो पाए और ना अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। बाकी एक आध चैप्टर यूट्यूब पे देख लेता था मैं, बाकी अरुण सर से भी पढ़ी है काफी चैप्टर्स, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, कैलेंडर हो गया, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं ना वे, तो उनमें तो टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है सर, बाकी जो प्रॉपर एनालिटिकल लॉजिकल है वो खुद से हो जाते हैं, वो तो हो जाता है सर। अच्छा, फिर मैथ्स, आपका मैथ्स स्टार्टिंग से अच्छा था कि एवरेज था? सर स्टार्टिंग में तो मैं डरता था सर, मैंने बायोलॉजी का साथ ही इसीलिए लिया था कि मैथ्स ना पढ़ना पड़े। 11th में मैंने सबसे पहले बायोलॉजी चूज करी थी, फिर घर पे किसी ने बता दिया कि भाई मैथ्स की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। कौन लोग हैं बताने वाले कि मैथ्स की इम्पोर्टेंस ज्यादा है? सर वो कहते हैं ना कि चार लोग होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ बताने, सब चारों लोग अलग अलग सलाह देते हैं, चार लोग हैं सर। हाँ। तो फिर किसी ने सलाह दे दी कि भाई मैथ्स तो जरूरी है। हाँ। फिर मैंने सर बायो विद मैथ ले लिया था, बायो विद मैथ 11th क्लास में। हाँ। फिर बायो विद मैथ, मैथ्स से सर ठीक भी था मेरा, लेकिन हल्का फुल्का डरता भी था सर मैं मैथ्स, इसीलिए मैंने छोड़ना चाह गया 11th क्लास में। पर सर वहीं उन लोगों की सलाह काम आ गई मेरे, तो फिर मैंने मैथ्स ले लिया। 11th 12th में मैथ्स पढ़ने के बाद फिर मैं ऑफ टच हो गया था मैथ्स से, क्योंकि फिर ग्रेजुएशन में मैथ्स का कोई पोर्शन ही नहीं था। हाँ। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही सर इतना कुछ सोचा नहीं था कि भाई करियर में ये करना है वो करना है, फिर सर उसी टाइम पे पबजी की एंट्री हो जाती है। हाँ। मैंने सर खूब मतलब जितना मन लगा के बाद में पढ़ाई की उतना ही मन लगा के पहले पबजी खेला सर पूरे। अच्छा। एक साल पबजी खेला आपने? पबजी खेला सर। पबजी पे आपको कोई सीमा हैदर नहीं मिली? नहीं सर। हाँ। फिर सर एक दिन सर जैसे पबजी खेल के मुझे आज भी याद है सर, शाम का टाइम था, मेरे पापा जॉब से वापस आए थे, फिर उस टाइम पे सर मैंने पापा की हालत देखी थी कि भाई गर्मी का टाइम था, फिर जैसे मैं गेट खोलने गया मेरे कान में सर वो पबजी वाले ईयरबड्स लगे हुए थे, पापा ने देखा कि भाई लड़का दिन रात लगा रहता है इसी में। सर उस दिन मेरे पापा ने मुझे 2 मिनट समझाया था कि भाई तू कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, कुछ तो डिसाइड कर, ये गेम ही थोड़ी ना खेलता रह जाएगा। सर उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो पबजी खेलना ही नहीं है। आखिरी दिन था वो पबजी का? हाँ वो आखिरी दिन था सर। फिर दोस्तों के फ़ोन वगैरह आते थे, मैं उनको झूठ बोल देता था कि भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन नया लेके आऊँगा, ऐसे ही 1-1.5 महीना निकाल दिया। फिर वो भी समझ गए थे कि भाई अब ये खेलना नहीं चाहता। ये पबजी खेलना दोस्ती सिखाते हैं ना?
सर दोस्तों से पबजी खेला जाता है। अच्छा, दोस्तों से ही खेला जाता है? वो ग्रुप चैट होती है सर उसमें, और कुछ गेम में सिंगल आदमी बैठा बैठा पबजी नहीं खेल सकता, बोर हो जाता है सर सिंगल आदमी को। अच्छा, जैसे तो दोस्त दूर दूर बैठे हैं तो फिर कैसे खेलेंगे पबजी? वो उसमें वॉइस चैट इनेबल होती है सर। अच्छा, पूरी सुविधा कर रखी बर्बाद होने की। हाँ सर, हाँ कर ही दिया था सर मैं तो बर्बाद। ये ग्रेजुएशन के दौरान ही? ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन से एक साल बाद सर। तो ग्रेजुएशन के एक साल बाद तक आपने कुछ नहीं किया, तैयारी वगैरह कुछ नहीं करी? कुछ नहीं करी थी सर। ग्रेजुएशन कब हुई फिर? मेरी 2018 में हुई थी सर। 2018 में? 18 में सर, मई में हो गई थी एग्ज़ाम कंप्लीट। तो घर वाले कहते नहीं थे अब ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करो या कोई तैयारी करो या कोई काम करो? इग्नू में एडमिशन लिया था सर। इग्नू में? MSc में एडमिशन ले रखा था डाइटिशियन का। हाँ। उसमें सर मेरा पबजी के साथ साथ वो डाइटिशियन का भी 1 ईयर कंप्लीट हो गया था। अच्छा, 2 साल का कोर्स होता है वो? 2 साल का होता है सर। फिर जैसे 2020 में पापा ने वो बात बोली थी, फिर उसके बाद मैं सर SSC में इस तरह से लग गया था कि मैंने अपनी वो MSc भी छोड़ दी थी। फिर बीच में करी नहीं आपने पूरी? MSc पूरी नहीं करी सर, उसमें वो प्रैक्टिकल्स वगैरह लेने जाना पड़ता था। वहाँ गुड़गांव जाना था सर, 2 महीने के प्रैक्टिकल्स थे मेरे, और मैं इस पढ़ाई में जुट गया था SSC वाले में। 2020 से जुटे? 2020 से सर, मार्च 2020 से। फिर ये पता लग गया था कि भाई अगर इस ये पढ़ाई पढ़नी है तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के साथ तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ग्रेजुएशन के साथ मैं नहीं कर पाता सर इसको। और उसके बाद मैं ऑफ ट्रैक हो गया था। फिर आया मैं SSC की फील्ड में। फिर तो सर मैं इस तरीके से लग गया था कि भाई अब तो एक भी दिन का ऑफ नहीं लेना मुझे। लगातार पढ़ाई करी आपने 2020-21 में? 2020 के बाद मैंने लगातार एक भी दिन का ऑफ नहीं लिया। अगर बुखार भी हो गया, बुखार में भी पैरासिटामोल लेके मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता था। लाइब्रेरी पढ़ाई में पढ़ाई करी? लाइब्रेरी में। अभी घर के पास ही लाइब्रेरी थी? हाँ, वहीं पास में ही थी सर। तो बहादुरगढ़ में जैसे हैं ऐसी छोटी छोटी काफ़ी लाइब्रेरियाँ हैं अब? हाँ, काफ़ी हैं। लाइब्रेरी माहौल कैसा है पढ़ाई का? बहुत अच्छा माहौल है सर। आजकल बहुत सारे टॉपर्स जो हैं लाइब्रेरी से पढ़ रहे हैं, मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट जाता है लाइब्रेरी। घर से ज़्यादा बेटर है लाइब्रेरी में पढ़ना? मेरे लिए तो बेटर है सर। जैसे लाइब्रेरी में ये हो जाता है, घर पे तो क्या फ़र्क है घर पे और लाइब्रेरी में पढ़ने में? घर पे सर माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई का। जैसे जो हमारी जो बेसिक फैमिली है, जैसे सबकी मिडिल क्लास फैमिली मेरे हिसाब से तो एक ही तरीके से फॉलो करती है जो रूल्स वगैरह होते हैं। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पूरा मूड बना हुआ है, घर पे कोई आ गया, मम्मी बोलेगी कि जाके देखियो रे कोई, एक बार गेट खोलिया। फिर उसमें जो पढ़ाई से जो कनेक्शन होता है, जो मूड होता है, रिदम टूट जाता है। वो रिदम टूट जाती है सर। अब मम्मी को बोल लो कि भाई मेरी रिदम टूट जाती है, आप ही खोल दो गेट, तो मम्मी दे ही तोड़ दे। हाँ, मम्मी कहेगी इसलिए मैंने तुझे इतना बड़ा करा है। हाँ, मम्मी बोलेगी फिर कहेंगे वो समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आ, इनके लिए चाय बना दे। हाँ, और उसी में घंटा चला जाता है। लगता तो कुछ नहीं कि भाई पानी भी दे दो चाय भी दे दो, पर जो एक पढ़ाई का माहौल होता है सर वो ब्रेक आ जाता है दिमाग, ब्रेक आ जाता है उसमें। मनमाने उनके जाने के बाद आपका मन करे ना करे पढ़ने का, घर पे आप पढ़ोगे कैसे भी बैठोगे, मनमाना कि भाई आप का नहीं मन कर रहा तो आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे, और वो मन पढ़ते पढ़ते पहले आप ऐसे बैठोगे, फिर और पीछे होते जाओगे, फिर लेट जाओगे, फिर सो जाओगे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ जरूरत से ज़्यादा सुविधाएँ हानिकारक हैं। हाँ, क्योंकि मुझे याद आया बच्चे ना बार बार कहते हैं सर जो आप ये क्लास में पढ़ा रहे हो ना, इनकी PNG दे दिया करो सर हमें। मैंने कहा मैं दूंगा ही नहीं। जिस दिन से मैंने तुम्हें PNG देना शुरू कर दिया ना, आधे बच्चे क्लास देखना बंद। सर ने वो दे रखे PDF, हम PDF को स्क्रॉल करके देख लेंगे, 3 दिन देखेंगे, 4th दिन से वो स्क्रॉल होना भी बंद। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखें 2x की स्पीड में देगा, खुद से लिखें उसे, कोई PNG नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा सुविधा भी देना कंपटीशन वाले बच्चे को नुकसानदायक है। कम से कम सुविधा हो, सुविधा वो वाली हो जिससे कि उसका सिलेक्शन हो बस। हाँ सर, और सर लाइब्रेरी में भी जैसे मैं काफ़ी बच्चों को देखता था सर,
वहाँ पे भी सर ऐसा होता है, जैसे आपने जो पहले दिन जाके अपना रूटीन बना लिया ना, जैसे बच्चे होते हैं कि भाई मूड खराब हो गया, अब रील्स देखूंगा मैं, अब गाने सुनूंगा, तो उसी में लग जाते हैं वो, लाइब्रेरी में भी। लाइब्रेरी में भी। मैंने सर पहले दिन से मैं अपना एक डिसिप्लिन बना के गया था कि भाई अगर मान लो मेरा मन नहीं भी कर रहा ना पढ़ने का, तो मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, फ़ोन को अच्छा। साइड में रख के खाली बैठ जाऊंगा। अगर मान लो बुक खोलने का मन नहीं कर रहा, उससे सर फ़ायदा ये होता था कि भाई खाली बैठे बैठे ही मैं बोर ही हो जाता था, 15 मिनट में, 20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में, अंदर से ही मन में ये आवाज़ आती थी कि भाई पढ़ लो आप। पढ़ ले अब। तो मैंने फ़ोन कभी यूज़ नहीं किया लाइब्रेरी में। फ़ोन का एडिक्शन बहुत है लोगों को। बहुत होता है सर। एसएससी का पहला पेपर आपने कौन सा दिया? सर पहले बिना प्रिपरेशन के तो सर पबजी टाइम में दिया था, मेरे 63 मार्क्स आए थे सर उसमें, टोटल टोटल 63 आए थे। कौन 63 आए थे सर। सा पेपर था? वो 2019 का था सर, सीजीएल वाला। ये तो बहुत खराब स्कोर है। बुरा नहीं लगा था? मैंने प्रिपरेशन कर ही नहीं रखी थी सर, तो बुरा तो तभी लगता जब मेहनत करते हो आप। तो 2020 में आपने तैयारी शुरू करी। 2020 में सर आपने सीएसएल का पेपर दिया है? सर दिया था, लेकिन उस टाइम पे प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता था, तो सबसे पहली जॉब मेरी बीएसएफ में लगी थी सर, सीपीओ से ही, 2020 वाले से, 2020 में बीएसएफ में। बीएसएफ से सर, जी सर। उसमें मेरी AIR 67 आई थी, और फिर जैसे वहाँ पे जाने का मेरा फुल मन था, क्योंकि सर एक वो बचपन से मैं सर फोर्स का माहौल देखता आ रहा था सर, फैमिली में भी काफ़ी आर्मी में है, तो वहाँ पे जाने का मेरा फुल मन था, लेकिन अंदर से एक ये भी था कि भाई दिल्ली पुलिस ही मिल जाए, घर के पास भी है। घर के पास भी है सर। फिर जैसे ही वहाँ पे मैंने ट्रेन की टिकट करा रखी थी पूरी, और उससे एक हफ्ते पहले ही मेरा सीजीएल का रिजल्ट आ गया सर, 2020 वाले का। 2020 वाले का। उसमें मुझे टीए मिल गई थी, टीए अच्छा, टीम सिलेक्शन हो गया था आपका। में सिलेक्शन हो गया था। हाँ। फिर हमने आपस में बात की घर पे बैठ के कि भाई मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, फिर वहाँ बीएसएफ में जाने का कैंसिल कर दिया था आपकी फर्स्ट जॉब थी जो आपने छोड़ फर्स्ट। दी। हाँ सर। फिर जब तक सीपीओ, इस सीजीएल 2022 वाले का प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट हो गया था, फिर सीजीएल 2022 से मुझे पीए मिल गई थी। अच्छा, सीएल 2022 से पीए, ये हाँ तीसरी जॉब थी। ये तीसरी जॉब थी सर। हाँ, तो जब तक मेरा सीपीओ का फिजिकल भी हो गया था 2022 का ही। 2022 का ही। फिर उसके बाद सर जैसे मई में मेरा ये सीपीओ का मेंस हुआ, फिर उसके बाद ये पीए की जैसे स्टेट एलोकेशन वगैरह, मेरा सीपीओ में अच्छा स्कोर बन गया था, ये तो ही गया था कि भाई अब तो दिल्ली पुलिस मिल ही जाएगी। फिर जैसे सीजीएल से भी एक जॉब सिक्योर हो गई थी, फिर वो टीए वाली भी छोड़ दी थी सर, वहाँ भी नहीं गया मैं। तो टी वालों को फिर क्या लिखा कि डोंट वांट टू ज्वाइन? कुछ नहीं लिखना पड़ता सर, जब तक आप ज्वाइन करने वहाँ पे नहीं जाते ना, हाँ, जब लेटर तक आते वो बस रहेंगे। लेटर भेजते रहते हैं, अब लेटर का जवाब ना दो तो ऑटोमेटिक समझ लेटर का जाते हैं। जवाब मत दो, वो अपने आप समझ जाते हैं कि भाई ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये नहीं आएगा। तो ये सीपीओ के 2022 में जो आपका फिजिकल था, फिजिकल था फिजिकल की तैयारी में कितना टाइम मिल गया? सर, टाइम तो 2 महीने ही मिले थे सर क्योंकि इस उसमें। बार का जो सीपीओ है इसमें बच्चों को 1 महीना ही टाइम मिल रहा है फिजिकल की तैयारी में। हाँ सर, और 1 महीने में फिजिकल हो सकता है क्या तैयार? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता सर, अच्छा, अगर कोई बचपन से फिजिकली एक्टिविटी करता रहता है, वो तो हरियाणा के लड़के पॉसिबल हैं। वो तो सर ऑन द स्पॉट भी डायरेक्ट ही जाते हैं फिजिकल देने हाँ, और कर भी आते हैं सर, अच्छा, ऐसा भी है ऐसा भी होता है कि बिना सर, फिजिकल सीधा गए और दौड़ मार दी? क्योंकि उनकी बचपन से सर उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। लेकिन जो बच्चा नया आया है, लाइब्रेरी में जाता है या एसएससी की तैयारी करता है, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, उसको कम से कम सर 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे। क्या फिजिकल वो एक्सरसाइज करनी चाहिए अभी इनको, फ्रेशर बच्चों को? फ्रेशर बच्चों को तो सर हल्की फुल्की रनिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये है कि भाई आप यूज़ टू हो जाओ उस एक्सरसाइज से, हल्का फुल्का वार्म अप करो, हल्की फुल्की रनिंग करके वापस आ जाओ,
फिर ये होता है अगर आप एकदम से अपनी बॉडी को पुश करोगे तो इंजरी के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं सर। इसीलिए अभी से हल्का फुल्का यूज्ड हो जाओ आप, हल्की फुल्की रनिंग कराओ, जॉगिंग कराओ, फिर एकदम से ज़्यादा लोड नहीं आएगा। क्योंकि अक्टूबर में अगला प्री होना सर, और इन्होंने दिसंबर में मेंस की डेट दे दी, नवंबर में कराएंगे, तो नवंबर में फिजिकल कराएंगे। अगर आप अब कुछ नहीं करोगे, प्री देने के बाद करोगे, तो अपने मेंस को खराब कर लोगे। ये हम 2030 वाले सीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि इसमें ना टाइम उन्होंने बहुत कम दिया है। हालांकि 2022 का जो प्रोसेस है ये भी बहुत फास्ट हुआ, पूरा कितने महीने में कंप्लीट हो गया है ये सर? हमारा 10 नवंबर को मेरा प्री था, और अब 28 अगस्त को सर हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल गए। तो 8-9 महीने में पूरा करा? 9 महीने में पूरा कर दिया। आप में से ज़्यादातर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, उन्होंने एसएससी का वो ज़माना नहीं देखा है जब नोटिफिकेशन आए हुए 8 महीने बीत जाते थे और कहते थे अब प्री का पेपर करवा लिया जाए। अगर नॉर्मल शेड्यूल चलता तो अब हम मेंस की डेट में बैठे होते कि भाई मेंस की डेट आ जाए। हाँ, जो नॉर्मल शेड्यूल चलता था, नॉर्मल शेड्यूल जो चलता था। और अब इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, 15 तारीख से ट्रेनिंग है ना? हाँ, अभी 15 सितंबर से ट्रेनिंग है सर। एक साल की ट्रेनिंग होती है इसमें पूरी? हाँ, एक साल की होती है सर। अच्छा, मैथ्स में आपको कोई खास ऐसे प्रॉब्लम आई थी? जैसे मैं पढ़ाता था अर्थमेटिक एडवांस, कि मैं हमारा बैच है 0 to 0 प्री प्लस मीन्स, उसमें हल्के भी सवाल हैं, मॉडरेट भी, और उसमें मुश्किल सवाल भी हैं, उसमें सवाल सारा कुछ है। क्योंकि मैं बिल्कुल एसएससी जीडी के लेवल से उठाकर मीन्स के लेवल तक एक ही बार में पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे उम्मीद करते हैं कि सर कोई टाइप पढ़ा रहे तो हल्का हल्का करा दें, पर बाद में मीन्स का कर लेंगे, वो कभी होता नहीं है। जो भी टाइप पढ़ना है एक ही बार में पूरा पढ़ना है। तो मेंस इसकी मैथ्स की तैयारी में आपको कोई प्रॉब्लम आई पढ़ते हुए? या नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी तो ये थी कि भाई पहले अपनी दिन की 2 वीडियो 3 वीडियो, मतलब पहले सिलेबस पूरा करना है मुझे पूरा। रिकॉर्डेड क्लास देखते थे? रिकॉर्डेड ही थी सर वो। अच्छा, रिकॉर्डेड ही ली थी आपने? नहीं, एक रनिंग बैच चल रहा था सर उस टाइम पे। हाँ। फिर मैंने करियर व्हील के पास फ़ोन किया था कि भाई मैं इस बैच में लेना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वैलिडिटी कम है। हाँ। तो मेरी बातचीत हो गई थी, वो बोले कि भाई आप ले लो, आपकी हम स्पेशल वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे। तो वो काफ़ी सिलेबस हो चुका था उसमें, तो मेरे लिए तो वो बैच VOD जैसा ही था सर। तो मैं दिन की पहले तो सर मैंने आसान से शुरू किया था, जैसे परसेंटेज से। अर्थमेटिक में मेरा हाथ सही जमा हुआ था, तो अर्थमेटिक से स्टार्ट किया था सर। तो शुरू में तो सर एक ही वीडियो देख पाता था मैं, फिर जैसे रिदम बनता गया दिन की 2 वीडियो, लास्ट तक आते आते तो सर 2-2, 3-3 वीडियो भी देखता था मैं। तो एक बार सिलेबस पूरा हो गया, फिर उसके बाद जो मैंने अपने कंसेप्ट वाले वो बना रखे थे उनको एक दो हफ्ते के अंदर ही मैंने काफ़ी बार रिविज़न कर दी थी उनकी। फिर मैं जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर ज़्यादातर दिक्कत तो नहीं आती थी, एक आध चैप्टर ऐसा होता था कि भाई इसमें मुझे ये फील आता था कि भाई दोबारा से रिवाइज कर ले इसको। तो मैथ तो हो ही जाता था सर। अच्छा, इसमें आपने मॉक टेस्ट प्री के जो हैं सीपीओ के, कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए? सर 8-10 ही लगाए थे सर मैंने, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए। मीन्स के लिए? मेंस के लिए सर अब की बार मैंने 2022 वाले में मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए थे सर। क्योंकि 2020 में मैंने यही गलती कर दी थी कि मुझे ये लगता था कि भाई जो बेसिक पोर्शन है इंग्लिश का वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। मैंने जो मैं मॉक टेस्ट देता था, मैंने दिए 4-5 मॉक टेस्ट दिए थे 2020 में। हाँ। वो मैं आधा घंटा पहले फिनिश कर लेता था। अच्छा, इंग्लिश वाले? इंग्लिश वाले। फिर मैंने वो देने बंद कर दिए थे, मुझे ये लगता था कि भाई ये तो तू कर ही लेगा, जो एक्सेप्शंस वगैरह है उन पे हाथ मजबूत कर ले थोड़ा सा। तो इंग्लिश में एक्सेप्शन वाले रूल, इंग्लिश में जो मैं एक्सेप्शन ही करता चला गया सर फिर। लेकिन सर वो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी सर 2020 वाले अटेम्प्ट में। 2020 वाले अटेम्प्ट में तो इस बार सर मैंने हर पोर्शन को इक्वल वेटेज दी सर। अच्छा। जैसे आधा घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करने डेली, नॉवल पढ़ने सर, मतलब इक्वली वोकैब करनी। जैसे मैं डेली की 100 वोकैब याद करता था। अच्छा। और याद तो क्या करता था सर, मतलब रिवाइज ही करता था लास्ट में तो। और जैसे 100 EDM,
मतलब हर पोर्शन को मैंने 2022 वाले में इक्वल वेटेज दी थी। जिनकी इंग्लिश वीक है, ये इंग्लिश में किस बात का ध्यान रखें तैयारी शुरू करते टाइम? बिल्कुल, जब तैयारी शुरू करें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे पढ़ें पूरा सिलेबस? सबसे पहले तो आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो एक एस्पिरेंट होता है सर, वो किसी भी चीज़ का अपने अंदर डर बना लेता है कि मुझे तो मैथ्स का एडवांस पोर्शन से डर लगता है, फिर हाँ। उसका लास्ट तक वो एडवांस पोर्शन वीक ही रह जाता है। ऐसे ही हमारे पास जब आते हैं कि मैथ का मुझे नंबर सिस्टम नहीं आता, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मतलब किसी भी चीज़ का डर नहीं बनाना अपने अंदर। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करना है, जो भी टीचर्स कराएं उसको फॉलो करते रहना है। और ये नहीं सोचना कि मतलब प्री अजम्पशन नहीं करने कि मुझे ये नहीं आता या मुझे ये मुश्किल लगता है। आप सब कुछ कर जाओगे, जब मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ मैं, सर मतलब बैक बेंचर वाली कैटेगरी में लगा लो मुझे, पीछे बैठता था। तो बैक बेंचर से सीपीयू रैंक 1 तक का सफर तय किया आपने? बस सर, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की दुआ है सर। तो बहुत अच्छा लगा भाई से कन्वर्सेशन करके, और एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से, बहुत अच्छी खासा एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं है, पढ़ाई में भी एवरेज प्लस ही थे आप। एवरेज ही था, हाँ एवरेज ही थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने सीपीयू में रैंक 1 हासिल की है, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जैसे SSC का प्रोसेस फास्ट है, तो जो खासकर बच्चे CPO की तैयारी कर रहे हैं वो फिज़िकल को भी अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा करते चलें, क्योंकि टीयर 1 और मेंस के बीच में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप फिज़िकल की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आई होप कि इस वीडियो में जितनी भी बातें भाई ने आपको बताई आपको हेल्पफुल रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।